रोको रोको, चलो बाहर निकलो। लाइए सर, मैं पार्क कर देता हूँ। चल चल बाहर निकल, चल बोला बाहर निकल। अरे लेकिन मेरी कार कहाँ लेके जा रहे हो? सर मेरी कार बहुत ले जाइए। अरे मेरी कार, अरे सेकंड हैंड गाड़ी है, क्यों ले जा रहे हो? इसके शरीर पे तीन निशान हैं घाव के, और तीनों ही गोलियों के निशान हैं। बाकी शरीर पर कहीं कोई किसी किस्म का निशान नहीं है। गोलियों के निशान? सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। जगह को देख के लगता है कि यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई हुई थी। पेट्रोल गाड़ी चुराने के लिए गैरेज में घुसा होगा। मनोज जी ने उसे देख लिया होगा, रोकने की कोशिश की होगी, जिस वजह से हाथापाई हुई। और हाथापाई के बीच में जैसे ही कार चोर को मौका मिला, उसने गोली मार दी मनोज जी को और कार लेके भाग गया। सर, हाँ? बुलेट शेल देखिए, मोजर या वाटर गन की लगती है। पता करना पड़ेगा ऐसा कौन सा कार चोर है जो इतनी हाई एंड गन का इस्तेमाल करता है। वो भी सर सेकंड हैंड गाड़ियों की चोरी के लिए। हाँ, जो ये महंगी गाड़ी छोड़कर ये सेकंड हैंड गाड़ी चोरी करके भाग गया। डॉक्टर साहब, लगता है यहाँ पे हाथापाई तो हुई थी, तो कुछ ना कुछ सुराग मिलना चाहिए जिससे उस कार चोर के बारे में कुछ पता चल सके। तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करते हैं, मैं इस पूरी जगह को अच्छी तरह से चेक करता हूँ। देखिए, जो हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर आपकी मदद के बिना हम उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। हिम्मत रखिए। उस कार में कोई कीमती सामान था? नहीं, कीमती सामान वगैरह तो कुछ भी नहीं था। उस गाड़ी को मनोज 2 दिन पहले ही खरीद कर लेकर आए थे। कहाँ से खरीदी थी ये गाड़ी? वी कार बाजार से, और एक ही बार चलाई थी उन्होंने। पंकज, ट्रैफिक पुलिस और कंट्रोल रूम को फोन करो। ये गाड़ी कहीं भी नजर आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर दे, ठीक है? और पूर्वी, हमारे रिकॉर्ड से पता करो कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी वाले कार चोर कितने हैं। और हाँ, यहाँ जितने भी लोकल कार चोर हैं उनके बारे में पता करो। सर, मैम, जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? मैं मार्केट गई थी, और आज ये भी ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे, बोले इनकी तबीयत खराब है। और जब आप वापस आई तो घर में आपको कुछ अजीब लगा आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। सर, क्राइम ब्रांच से पता चला कि इस कार के अलावा 3 और कार चोरी हुई आज। सर, एक तो विनय की कार, जिसे नकली ट्रैफिक हवलदार ने झूठा ड्रिंक एंड ड्राइव केस बना के ले गया, जबकि विनय ने ड्रिंक ही नहीं की थी। और सर, दूसरी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर से चोरी हुई है। आकाश नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट गया था, वहां पे वाले पार्किंग के लिए उसने किसी नकली रेस्टोरेंट स्टाफ को चाबी दी और वो उसकी कार लेके भाग गया। रेस्टोरेंट स्टाफ का कहना है कि वहां पे वाले पार्किंग है ही नहीं। और सर, तीसरी कार सड़क पे अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था, उसका कहना है कि एक आदमी आया और उससे गन दिखा के गाड़ी लेके भाग गया।
और वो सारी कार्स भी सेकंड हैंड थी। कमाल है सर, सेकंड हैंड कार्स के पीछे पड़ गए। और एक बात सर, वो सारी कार्स भी वी कार डीलर से खरीदी गई थी। कमाल है, जितनी भी गाड़ियां चोरी हुई है ये वी कार से खरीदी गई थी। आखिर ऐसा क्या था उन सेकंड हैंड कार्स में जो उन्हें पाने के लिए कोई किसी का खून भी कर सकता है? वी कार डीलर से पूछताछ करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ से जो सेकंड हैंड कार्स बेची गई थी, जो इन लोगों ने खरीदी थी, वो चोरी हो गई। कोई स्पेशल कार्स थी क्या वो? स्पेशल तो नहीं थी सर, सब नॉर्मल थी, मगर पता नहीं किसी ने क्यों चुरा ली। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? चोरी के पीछे कोई ना कोई मकसद तो है। मकसद तो मैडम आप लोग ही पता लगा सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कार्स तुम्हारे पास आती कहाँ से थी? सर मैं इस बिजनेस में नया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। कमाल, ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें पता नहीं कि कार्स कहाँ से आती? ये चोरी की गाड़ियाँ थी क्या? नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं। मेरे डैड का बहुत नाम है इस शहर में और पुरानी कारों को नया करके बेचने में उनका बहुत नाम है। तो ये जो बिजनेस है ये तुम्हारे डैड का है? जी सर। कहाँ तुम्हारे डैड? कुछ दिन पहले हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से मुझे अपना काम छोड़कर चेन्नई से वापस आना पड़ा। सॉरी सर, वैसे भी मैं ये बिजनेस को छोड़ने के चक्कर में हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं तो मैं चलाऊंगा कैसे। तुम्हारे पापा के अलावा कोई नहीं जानता कि कार्स कहाँ से आती थी? जी सर। स्टाफ में कोई ना कोई तो होगा जो इस बिजनेस के बारे में जानता होगा। जी राजू है, मगर इसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। पुरानी कारें कहाँ से आती थी ये सिर्फ डैड जानते थे और डैड के मरने के बाद 5 कारें बची थी जो मैंने ऑक्शन कर दी, उसी की वजह से ये बवाल हो रहा है। एक मिनट, तुमने अभी भी कहा कि 5 कार्स ऑक्शन की थी? जी सर। 4 गाड़ियाँ चोरी हुई है तो बची एक। सर चोर उस 5वीं कार के पीछे जरूर जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारा जो रजिस्टर जिसमें सारे डिटेल्स लिखते हो जरा वो दिखाना हमें। इन चारों के अलावा ये 5वां कौन है जिसने गाड़ी खरीदी थी, उसका एड्रेस चाहिए हमें। अमित जी आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी कार चोरों के निशाने पे है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब आपकी कार चोरों के टारगेट पर है, अगर चोरी नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसलिए आप प्लीज अलर्ट रहे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, और मेरी कार चोरी का आप लोगों को कैसे पता? अमित जी आपने 2 दिन पहले वी कार डीलर से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो आपके साथ जितनी और गाड़ियां बेची थी उन लोगों ने वो सब चोरी हो गई। और सिर्फ आपकी कार चोरी नहीं मगर चोर उसे चुराना चाहता है। ऑफिसर मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी नहीं है तो चोर क्या चुराएगा? क्या? मगर डीलर के पास जो खरीदने वालों की लिस्ट थी उसमें आपका नाम और एड्रेस था। ये देखिए आपका आईडी प्रूफ और ये एड्रेस जमा है उनके पास। सर ये आईडी और एड्रेस प्रूफ तो मेरा ही है, मगर मैंने कार नहीं खरीदी है। किसी को ऑथराइज किया था खरीदने के लिए? नहीं मैडम। तो आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस चोरों के पास कैसे आया? पता नहीं सर। अपना आईडी प्रूफ कहीं छोड़ा था आपने, किसी को दिया था? नहीं सर, किसी को दिया भी नहीं था। हाँ मगर सर मैं लेमिनेशन कराने गया था अपने डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ देर के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दुकान पे भूल के आ गया था मैं। दुकान वाले को कॉल आया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप ले जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं करके। सर हो सकता है वहाँ से इनके डॉक्यूमेंट्स किसी ने चुरा लिए। हो सकता है, लेकिन आप जैसे समझदार लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर फंस जाते ना तो बचना मुश्किल हो जाता। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। फेक आईडी देकर गाड़ी खरीद के और बाकी के गाड़ियों को चोरी करके वो करना क्या चाहता है? सर वो जो कोई भी है वहाँ कार लेने तो जरूर आया होगा, और उस वक्त राकेश के अलावा जो भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसे जरूर देखा होगा। हाँ देखा तो होगा, चलो वहीं चल के पता करते हैं। 5 सेकंड हैंड गाड़ियां, उसमें से 4 चोरी होती है, बची एक उसे कोई खरीद लेता है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है ना। बड़ी अजीब बात। सर इस 5वीं गाड़ी को खरीदने के लिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब नकली इस्तेमाल किया गया था सर। सर फेक आइडेंटिटी से कार खरीदने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो बहुत सारी हो सकती है पूर्वी, लेकिन हमें इसके पीछे की असली वजह पता लगानी है और इसके लिए वी कार बाजार के इतिहास को खंगालना होगा। सर तो पूरा रिकॉर्ड चेक किया नरेश कुमार का, ये वी कार बाजार का जो मालिक था हर ऑप्शन में कम से कम 5 कारें बेचता था। तो अभिजीत पहले जिन लोगों ने कारें खरीदी थी उनके बारे में तो पता चल गया होगा ना? हाँ सबका बैकग्राउंड चेक किया सर, सब जिम्मेदार लोग हैं सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक ही है। पर अभी ये जो कारें चोरी हुई है उनके रजिस्ट्रेशन से तो हमें पता चल जाएगा गाड़ियों के बारे में। हाँ सर वो सारी गाड़ियाँ गायब है, उन रजिस्ट्रेशन नंबर्स के कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है सर। अच्छा लोगों से पूछताछ की? हाँ सर पूछताछ की, मगर किसी को कोई भी जानकारी नहीं कि वो कार्स कहाँ गायब हो गए।
तो हम पता करेंगे कि वो सेकेंड हैंड गाड़ियां कहाँ गायब हो रही है, जिसको पाने के लिए एक खून तक हो गया। आसाम के बोल। अच्छा तो ठीक है, हम आते हैं। हाँ, सारंगी को कुछ मिला है। सारंगी बोल। बॉस, क्राइम स्पॉट पे से मुझे एक पत्ती मिली है जो बाओबाब पेड़ की है। बाओबाब पेड़ की? वहाँ आसपास कहीं भी ये बाओबाब के पेड़ तो थे नहीं। यार, ये पत्ती कहीं बाहर से आई है। सर, हो सकता है ये पत्ती कूनी के कपड़ों पे चिपक कर आई हो सकता। सर, इस पत्ती के साथ साथ एक और सबूत मिला है। ये कीड़ा, इसे राइनो बीटल कहते हैं और ये सिर्फ जंगलों में मिलता है। जंगल के पेड़ के ब्रांचेस, स्टेम्स और खाद के ढेर में पाया जाता है। ये भी वहाँ कहीं बाहर से आया होगा, शायद खूनी के जूतों और कपड़ों में लग के। मतलब ये खूनी किसी ऐसी जगह पे आता जाता है जहाँ पे ये राइनो बीटल कीड़ा है और बाओबाब के पेड़ भी है। पता लगाना पड़ेगा ऐसे इलाकों का जहाँ पे ये बाओबाब के पेड़ और ये राइनो बीटल। सर, शहर के बाहर तो जंगल है, उसके तीन चार इलाके ऐसे है जहाँ पे ये बाओबाब का पेड़ होता है। तो फिर एक काम करते हैं, उस जंगल की तरफ जाते वक्त या फिर उसके आस पास कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हो तो उनका फुटेज चेक करते। हो सकता है ये खूनी चोरी की हुई गाड़ियों को लेकर उस जंगल की तरफ जा रहा हो जहाँ पर ये बाओबाब पेड़ और राइनो बीटल पाए गए। ये है वो जंगल का इलाका जहाँ पे बाओबाब के पेड़ पाए जाते हैं। पंकज, इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन सबके फुटेज चेक करो। आरटीओ सेंट्रल जी, मैं इंस्पेक्टर पंकज बोल रहा हूँ। मुझे ट्रैफिक कैम्स की फुटेज चेक करनी है, मुझे पासवर्ड लगेगा प्लीज। कारें आ तो रही हैं। सर, रास्ता तो यहीं पर खत्म होता है, लगता है गाड़ियां यहीं होंगी। जंगल के बीचों बीच ये क्या जगह बना रखी है इन लोगों ने? यहां कोई गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही। अंदर आने जाने का तो यही एक रास्ता है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, गाड़ी क्या? टायर का निशान भी नहीं मिला। नहीं है सर। तो गाड़ियां गई कहाँ? गायब कहाँ हो गई? और ये डेड एंड है, आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। गाड़ियां यहाँ से वापस गई होती तो फुटेज में दिखता। वो पांचों कारें पक्का यहाँ तक तो आई हैं, अब यहाँ से कहाँ गई ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये गाड़ियां जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जिनकी कारें चोरी हुई थी उनमें से विनय और आकाश, उन लोगों ने ये स्केच बनवाया सर। ये कोई पुराना पापी तो नहीं? नहीं सर, अपना रिकॉर्ड चेक किया उसमें तो नहीं है, कोई नया खिलाड़ी लगता है। अच्छा,
कारों के साथ ये भी गायब है। चलो ये देखिए, वी कार डीलर के रिकॉर्ड्स में और असलियत में हेरफेर है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सर, कितनी गाड़ी खरीदी, कहां से खरीदी, कितनी गाड़ी बेची है और किस किस को। जगह जगह से कार और बाइक खरीदी इन लोगों ने, फिर उन्हें रिफर्बिश करके बेच दिया। लगता है ये उन चोरी हुई गाड़ियों की लिस्ट है। हाँ सर, ये वही लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से 5 नहीं 6 गाड़ियां। मगर सर, राकेश ने तो हमें 5 गाड़ियों के बारे में बताया था। डैड के मरने के बाद 5 कारें बची थी जो मैंने ऑक्शन कर दी। मतलब राकेश झूठ बोल रहा है हमसे, झूठ बोल रहा है राकेश। पता लगाना पड़ेगा राकेश ने 6ठी गाड़ी का क्या किया और फिर हमसे झूठ क्यों बोला। सर, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुमने हमें उस 6ठी कार के बारे में क्यों नहीं बताया? कौन सी 6ठी कार? वही 6ठी कार जो तुम्हारे डैड ने ऑक्शन के लिए ली थी। कार 6 थी, 5 नहीं। हाँ सर, वो एक कार मैंने अपने एम्प्लॉय राजू को दी थी। जी राजू है। अरे तो सीधे सीधे बात करो ना, गोल गोल बात क्यों घुमा रहे हो? हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और खुद का भी। राजू को कार क्यों दी थी? सर, राजू मेरे डैड के साथ काफी सालों से काम कर रहा था और उसने कहा कि मुझे वो कार दे दो, मैं टैक्सी की तरह इस्तेमाल करूंगा और खर्चा निकाल लूंगा। मुझे वैसे भी बिजनेस बंद करना था तो मैंने उसको वो कार दे दी और बदले में कुछ पैसे भी लिए। पर सर, 6ठी कार का तो ऑक्शन हुआ ही नहीं और खूनी किसी ना किसी वजह से तो सेकंड हैंड कार्स के पीछे ही पड़ा है। सर, हो सकता है वो खूनी 6ठी कार चुराने की भी कोशिश करे। राजू कहाँ है इस वक्त? राजू तो आज आया नहीं। इस राजू का घर का एड्रेस दो, हमें कैसे भी करके राजू और इस 6ठी कार को ढूंढना ही होगा। सर, ये राजू घर पे नहीं है। इसका फोन ट्रेस करो और पता करो करंट लोकेशन कहाँ पे। सर, कहीं इन कार्स की चोरी के पीछे ओनर के बेटे राकेश का हाथ तो नहीं? क्योंकि ऑक्शन के बारे में वही जानता था और कौन सी कार किसके पास जाएगी इसकी जानकारी भी उसे ही थी। नहीं पूर्वी, इस सब के पीछे राकेश का हाथ तो नहीं हो सकता। अगर उसका हाथ होता तो वो कार बेचता ही क्यों? अगर उसे कार चोरी करवानी थी तो ऑक्शन क्यों करता? सर, लोकेशन मिल गई उसकी, हाईवे नंबर 45। हाईवे नंबर 45, अब ये राजू ही बताएगा इन कार चोरियों के पीछे किसका हाथ है। पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे है, बच के जाएगा कहाँ। इस गाड़ी को CID गैराज में लेके चलते हैं, आखिर पता तो चले उसमें है क्या जिसके लिए राजू पे हमला हुआ। ठीक है सर, ये गाड़ी कहाँ चली गई? राजू जी, आप ठीक तो हैं? आपकी कार कहाँ गई? वो ले गया। कौन कौन ले गया? मुझे नहीं मालूम वो कौन था। वो आया, मैंने रोका, लेकिन वो जबरदस्ती गाड़ी लेके इस तरफ चला गया। किसी भी तरीके से उस कार को ढूंढना ही होगा। अगर इस तरफ गया तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करके पकड़ लेंगे उसे। ठीक है, लोकल कॉप को इन्फॉर्म कर दो, नाकाबंदी करने के लिए बोलो, कहीं बच के जाना नहीं चाहिए वो।
शहर का आउटर एरिया है और आगे नाकाबंदी भी है। मुझे नहीं लगता ये उस रास्ते से जाएगा। हम लोग आगे से लेफ्ट ले लेते हैं। ओके। बुरी कार। बारा बारा। एक्सक्यूज मी। हेलो। मेरा नाम शेखर है। नारकोटिक्स डिवीजन। और ये गाड़ी चुरा के नहीं लेके जा रहा था मैं। इस गाड़ी में छिपा हुआ है, इसीलिए मैं लेके जा रहा था। उन पांचों कारों में नहीं मिला, इसलिए इस कार के पीछे पड़ा हुआ था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इस कार में हा? ये देखिए, मशहूर ड्रग लॉर्ड टोनी। हम लोग कई सालों से इसका पीछा कर रहे थे। वी कार डीलर के मालिक नरेश, मतलब राकेश के पिता, और टोनी दोनों साथ मिले हुए। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि कुछ सालों पहले तक नरेश एक छोटा मोटा ऑटोमोबाइल का बिजनेस करता था जो बैंक्रप्सी के कगार पर था, बंद होने वाला था। लेकिन अचानक किसी रहस्यमय आदमी ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और वो रातों रात बहुत बड़ा कार डीलर बन गया और साथ में फेमस भी। और उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला वो आदमी टोनी था। जी हाँ। वैसे टोनी के साथ साथ एक ड्रग माफिया और है जो अब्रॉड से इंडिया ड्रग्स सप्लाई करता है। कौन है वो? उसके बारे में कुछ पता चला? वही तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरेश की मौत हो गई। वैसे टोनी ने इस बीच 25 किलो की सप्लाई की है और वही कारों में कहीं छुपी हुई है। एग्जैक्टली। तो नरेश का मेन बिजनेस कार बेचने की आड़ में ये ड्रग्स का था। जी हाँ। इसलिए नरेश पुरानी गाड़ियों को डेंट पेंट करके उनमें ड्रग्स भर के नाम के लिए ऑक्शन करता था। आसानी से ड्रग्स की सप्लाई भी हो जाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था। और ऑक्शन से पहले नरेश की मौत हो गई और उनके बेटे ने ये कारें किसी को बेच दी, ये जाने बिना कि उसमें ड्रग्स छुपी हुई थी। इसलिए टोनी वो गाड़ी चला रहा था ताकि अपने ड्रग्स रिकवर कर सके। हाँ। चलो देखते हैं गाड़ी में ड्रग्स कहाँ छुपाई गई है। सर ड्रग्स कहीं दिख तो नहीं रहे? लगता है गाड़ी को पूरा खोलना पड़ेगा। ड्रग्स इस कार में तो कहीं हो सकता है उन पांचों कारों में हो, लेकिन वो भी गायब है। ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी में से ड्रग्स निकाली गई हो और फिर गाड़ियों को वैनिश कर दिया गया हो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे कुछ इन्फॉर्मर्स हैं वहाँ, मैं उन्हें टैप करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही कुछ मिलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ओके। थैंक यू। इन्फॉर्मर ने इसी जगह के बारे में बताया है। मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, आप लोग जल्दी से वेयरहाउस आ जाइए और हाँ साथ में डॉक्टर सालूके को भी लेकर आइएगा और उनसे कहिए कि पोर्टेबल करोसिव केमिकल डिटेक्टर किट भी लेकर आए। क्या वहाँ कुछ मिला है क्या? आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। एक बार आ जाएंगे तो मैं सब एक्सप्लेन कर लूंगा। प्लीज। थैंक यू। सर ये गाड़ी तो यही है, शिखर कहीं नजर नहीं आ रहा। अंदर चल के देखते हैं। अभिजीत, तुम यहां पर कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? हाँ सर, स्मेल तो है अजीब सी, तीखी सी स्मेल आ रही है। ये यही से आ रही है, ये जो पानी दिख रहा है ना यहां से। पर सर यहाँ पे हो क्या रहा था?
सर यहाँ पे स्प्रिंकलर्स है, शायद ये पानी यहीं से आया होगा। उर्वी, गलती से भी हाथ मत लगा। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये सादा पानी है। जिस तरीके की स्मेल आ रही है, मुझे लगता है इसमें कुछ है। मैं केमिकल डिटेक्टर से इसे चेक करना पड़ेगा। चिकन ने भी फोन पे बोला था कि केमिकल डिटेक्टर किट लेके आना। एक मिनट, मैं आता हूँ। कमाल है, समझ में नहीं आ रहा ये शिखर गया कहाँ। बताना क्या चाहता था वो। एक मिनट, हटो हटो। जीत, मेरा शक एकदम सही था। ये वाकई में सादा पानी नहीं है। इसमें बहुत ही पावरफुल और कोरेसिव केमिकल मिला हुआ है, जो मिनटों में भी सेकंड्स में किसी भी चीज को पिघला सकता है। मगर सर, हम लोग तो केमिकल के ऊपर ही खड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। जूते सही सलामत है सर। अभिजीत, शुक्र मनाओ, इस वक्त ये केमिकल बहुत डाइल्यूटेड है, कम मात्रा में, इसीलिए हम बच गए। और ये जो पानी है ना, ये पानी यहाँ पर इसलिए आया है कि इस केमिकल को वॉश आउट किया गया है पानी के जरिए। ये केमिकल का यहाँ पे क्या यूज है, चल क्या रहा है यहाँ पे? सर, सर ये देखिए। ओह नो, अभिजीत, ये तो किसी इंसान का हाथ है। ये कैसे बंद हो गया? अभिजीत, ये देख रहे हो, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इस डिवाइस की वजह से दरवाजा बंद हो गया। किसी ने रिमोट से दरवाजे को बंद किया। बस बाहर निकलेंगे कैसे? बाहर जाने का तो यही एक रास्ता है। क्यों, यहाँ कोई और रास्ता नहीं? सर, हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं, यही एक रास्ता है बस। हम फंस गए। फंस तो गए हो तुम लोग। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कारों और शिखर के साथ हुआ था। क्या किया तुम लोगों ने शिखर के साथ? जो हाथ तुमने देखा वो शिखर का ही था। कौन हो तुम, चाहते क्या हो? दया को फोन करके बोलो कि वो छठी कार लेकर यहाँ आ जाए। उसको बोल देना कि कोई भी चालाकी ना करे, वरना जान चली जाएगी, क्योंकि यहाँ के सारे रास्ते बंद हैं, जो मेरे ही इशारों पर खुलते और बंद होते हैं। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की जान तुम्हारे हाथ में। ठीक है। बाबू जी, यार वो जो छठी गाड़ी मिली है ना गैरेज में, उसको लेके फौरन यहाँ आ जाओ। वो जंगल के अंदर जो एक वेयर हाउस था। जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा अर्जेंट है। और एक काम करना यार, वो एसीपी साहब को मत बताना और श्रेया को भी मत बताना, ओके? श्रेया? अभिजीत, हेलो अभिजीत, तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत स्मार्ट हो? मैंने बोला था कि कोई चालाकी मत करना। तुमने श्रेया का नाम क्यों लिया? मुझे पता है तुम्हारी टीम में कोई श्रेया नहीं है, अब तुम सब मरोगे। क्या? अभिजीत का फोन था, बोल रहा था कि मैं ये गाड़ी लेके वेयर हाउस में आ जाऊं, वो भी अकेले, और एसीपी और श्रेया को ये बात नहीं बतानी। श्रेया? अभिजीत सर, मैं श्रेया का नाम क्यों लिया सर? वो तो अभी सीआईडी के लिए काम भी नहीं कर रही। लगता है अभिजीत किसी मुसीबत में है। हमारे लिए कोई वार्निंग है, खतरे का कोड है ये। चलो पीछे। अभिजीत, फॉरेंसिक किट। सर, यहां से निकलना पड़ेगा। अगर यहां रह गए तो अपना भी हाल यही होगा, फॉरेंसिक किट जैसा। निकलेंगे कैसे यार? जमीन पे एसिड है, दीवार पे नहीं है। हम दीवार से निकलेंगे। दीवार से लटक के।
अटक के। सर और कोई चारा नहीं है पूर्वी? हाँ सर। तुम इस तरफ से निकलो, मैं सानू के साहब को उधर से लेकर जाता हूँ। सर गाड़ी यहीं पे। ये तो लॉक है। अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए पंकज। आओ शायद सुन नहीं पा रहे। ये जगह कहाँ है? सर 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 अभिजीत तुम लोग जा, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मत सर, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ। सर हाथ मत छोड़ना सर। पंकज दरवाजा खुल गया। सर हाथ। सर सलामत है? क्या हुआ यार, यहाँ तो केमिकल था ना सर। बाहर हम लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे नॉब्स थे, हमने सारे घुमा डाले, शायद उसी वजह से वो एसिड बंद हो गया और पानी आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल दया, ऐसा ही हुआ। तुमने क्या किया, तुमने वो केमिकल वाला नॉब बंद कर दिया और पानी वाला नॉब चालू कर दिया, तो पानी गिरा तो केमिकल भी बह गया इसके साथ। थैंक गॉड मेरा हाथ सलामत है। थैंक गॉड सर आपका हाथ सलामत है, नहीं तो फोरेंसिक में सारे काम कारिका को करने पड़ते हैं। अरे सर मैं आपकी तरफ आपसे
तुम राकेश, तुम हो इस ड्रग्स के रैकेट का मास्टरमाइंड। क्या ये वही है कार चोर? आप मर गया तो बेटे ने संभाल लिया ड्रग्स का कारोबार? नहीं सर, मुझे तो ड्रग्स के बारे में पता भी नहीं था। पता नहीं था है? इसके लिए इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा तुम लोगों ने। शिखर की तो जान चली गई और हमें भी मारने की कोशिश की थी। सर मैंने नहीं, इसने और टोनी के आदमियों ने किया था। सर ड्रग्स के बारे में भी इसी ने बताया था और गाड़ियां भी इसने चुराई थी। तो फिर तुम इनके साथ कैसे? ये मेरे पास आया और कहने लगा कि तेरे बाप ने 25 किलो ड्रग्स कार में छुपाई थी। पांचों कारों में ढूंढ लिया है, ड्रग्स नहीं मिला। छठी कार कहाँ है? ओह, तभी तुम्हें एहसास हुआ कि करोड़ों के ड्रग्स तुमने अपने एम्प्लॉय राजू को दे दिए कार में? हाँ, करोड़ों के ड्रग्स के बारे में सुनकर मेरे भी मन में लालच आ गया और मैं भी इनके साथ मिल गया। पर गाड़ी में तो ड्रग्स था नहीं, हमने चेक किया था। सर ड्रग्स कार में नहीं है, कार ही ड्रग्स। क्या कार ही ड्रग्स है? कैसे? राकेश के फादर करते थे? जी सर, राकेश के फादर का केमिकल कंपाउंड बनाते थे, इन हाइड्रोक्लोराइड, उससे फ्लेक्सी ग्लास और फाइबर ग्लास बनाते थे, जो कि पुरानी कारों को नया करने में इस्तेमाल होता है, जैसे विंडस्क्रीन, विंडोज, बम्पर और गार्ड वगैरह। उसके बाद वो कारें यहाँ लेकर आते थे, कोरोसिव केमिकल्स उनको गला के कर लेते थे। यहाँ से वहां घूम रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता था। तुम जैसे लोग समाज और देश के लिए नासूर हैं। कुछ पैसों के लिए तुम लोग मौत बेचते हो, मौत। कानून तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देगा और ये तुम जैसे और लोगों के लिए सीख होगी। ले चलो इन्हें, यही लोग बताएंगे वो टोनी कहाँ छुप के बैठा है। चल ओए।